और इसीलिए संसार में कहा जाता है कि समझ लेना, संसार में सबसे शक्तिशाली तीन चीजें हैं। आप मानो ना मानो, आप स्वीकार करो ना करो, आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन आज का संसार ये कहता है, समझता है, आज का अध्यात्म जगत ये कहता है, आज का अध्यात्म शास्त्र ये कहता है कि संसार में सबसे शक्तिशाली तीन चीजें हैं। तीन चीजों में पहली चीज है प्रभु का नाम। नाम स्मरण में गजब की ताकत है। आप पागल हो, आप मूर्ख हो, आपको ना कोई धर्म समझता है, आपको ना कुछ आता है, आपको ना कुछ पता है, ना आपको धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यदि भीतर में आप श्रद्धा पूर्वक मात्र नाम स्मरण करते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। आपको पता है वाल्मीकि की बात आती है, उसके गुरु ने उसको मंत्र दिया कि तू राम राम का रटन करते रहे, राम राम बोलते रहे। अब थोड़े समय में वो मंत्र भूल गए, अब मंत्र को उसने उल्टा दिया। उल्टा दिया तो हुआ क्या, राम के बदले हो गया मरा। अब समझिएगा, अर्थ निकालने जाए तो बड़ा विचित्र अर्थ होता है, राम का अर्थ क्या और मरा का अर्थ क्या। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि सातत्यता थी, तीव्रता थी, तमन्ना थी परमात्मा से मिलने की, परमात्मा को जानने की, परमात्मा को प्राप्त करने की। और इतिहास ये कहता है कि मरा मरा भी उनके लिए राम राम बन गया। नाम स्मरण में गजब की ताकत है। आप जो शब्द का उच्चारण बार 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 करते रहे, वो शब्द आपके लिए मंत्र बन जाता है, वो शब्द आपकी रक्षा करने लग जाता है, वो शब्द के भीतर ऐसी ताकत प्रकट हो जाती है कि वो आपकी रक्षा करने लग जाए। इसीलिए मरा मरा बोलते वाल्मीकि भी तिर गए, क्योंकि उसके भीतर सातत्यता थी। और जब कंटिन्यूटी आ जाती है, जब सततता आ जाती है, तो मरा मरा भी क्या हो जाता है, राम राम हो जाता है। प्रभु का नाम सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या, तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना, पहले नंबर में संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है प्रभु का नाम। नाम स्मरण करते रहे। खुद राम जब हथियार उठा ले और हनुमान के भीतर एक ही ताकत हो कि मैं राम का स्मरण करते रहूंगा और वो हथियार भी उनके ऊपर असर न करे, इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है। प्रभु पार्श्व का जो स्मरण करते रहे, प्रभु पार्श्व के लिए जो जाप करते रहे, जो लगातार 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 सातत्यता, स्मरण तो हम भी करते हैं, स्मरण तो आप भी करते हो, लेकिन हमारे में कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए हमारे लिए मरा का मरा ही रह जाता है, मरा का राम नहीं हो पाता। लेकिन उसके भीतर कंटिन्यूटी आ जाए तो मरा भी हमारे लिए राम बन जाता है। कंटिन्यूटी लाओ, जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, जब भी चांस मिले, प्रभु का स्मरण करते रहे। हमने गुरु प्रेम को देखा है, उनके जीवन में हमने निश्चित तौर पर यह देखा है कि जब जब भी समय मिलता था प्रभु का स्मरण। स्मरण में बड़ी गजब की ताकत है, संसार की सबसे शक्तिशाली तीन चीजें, और सबसे पहले नंबर में प्रभु का नाम। आपने गुरुदेव कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को देखा होगा, जब भी आप देखोगे उनके हाथ में नौकार वाली आपको मिलेगी, जाप करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, हमेशा प्रभु का स्मरण, क्योंकि गुरु प्रेम के संस्कार लेकर के बैठे हुए हैं कि प्रभु का स्मरण निश्चित तौर पर तार देगा, प्रभु का स्मरण निश्चित तौर पर उघार देगा, प्रभु के स्मरण में निश्चित तौर पर गजब की ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संसार में सबसे शक्तिशाली तीन चीजें, सबसे पहले नंबर में प्रभु का नाम, कहा दूसरे नंबर में प्रभु का काम, ये भी गजब की शक्ति रखता है। प्रभु के नाम में यदि इतनी ताकत है कि आपको तिरा दे, तो प्रभु के बताए गए काम में भी इतनी ताकत है कि वो भी आपको तिरा दे। किसी की आंखों के आंसू पोंछना ये प्रभु का काम है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग रास्ते से जा रहा हो, उसको थोड़ा सहारा दे देना ये प्रभु का काम है। कोई गरीब आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर आ जाए और उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजना, ये प्रभु का काम है। दीपावली का अवसर आ रहा है, नजदीक के दिनों में दीपावली आ रही है, तब हम हमारा मुंह मीठा करें, उसके पहले किसी गरीब के पेट में, किसी जरूरतमंद के पेट में, किसी साधार्मिक भाई बहनों के पेट में मिठाई हम डाले, ये प्रभु का काम है। एक चीज समझ लेना, कई बार कहा जाता है कि संसार में हम जो हमारे लिए करते हैं वो परमात्मा का काम नहीं है, लेकिन हम जो दूसरे के लिए करते हैं, निस्वार्थ भावना होनी जरूरी है। स्वार्थ वृत्ति से करोगे तो प्रभु का काम नहीं होगा।
लेकिन निस्वार्थ वृत्ति से करा, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, मुझे उससे कुछ पाना नहीं, मुझे उससे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे उससे कुछ हासिल नहीं करना, और ये भाव के साथ में निश्चित तौर पर आपने करा तो समझ लेना ये प्रभु का काम बन जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संसार में सबसे शक्तिशाली तीन चीजें, सबसे पहले नंबर में प्रभु का नाम, दूसरे नंबर में प्रभु का काम। ऐसे काम करो। अरे संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम कर दे जिससे खुद को प्रसन्नता मिले। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते जिससे खुद के परिवार को प्रसन्नता मिले। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे आसपास के मित्रों को, स्नेही संबंधियों को प्रसन्नता मिले। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं ये प्रभु का काम नहीं है। संसार में ऐसा काम करो जिससे अननोन लोग, जो अनजान लोग हो, अजनबी हो जो आपके लिए, उसके चेहरे पर भी स्माइल ला दो। इससे बड़ा प्रभु का काम कोई नहीं हो सकता। ये बड़ी गजब की ताकत रखता है। जिसने प्रभु नाम का रास्ता ले लिया उसका भी बेड़ा पार, और जिसने प्रभु के काम का रास्ता ले लिया उसका भी बेड़ा पार। और तीसरे नंबर में कहा समझना, नाम शक्तिशाली, काम शक्तिशाली, और कहा तीसरे नंबर में प्रभु का धाम शक्तिशाली। तीसरी शक्ति कहां पे है? कहा प्रभु का धाम जो हो, परमात्मा का जिनालय जो, परमात्मा का देवालय जो, परमात्मा का तीर्थ स्थान हो। आप जाइए एक तीर्थों में, आपको पता चले क्या गजब की पॉजिटिविटी है, क्या गजब की ऊर्जा है, क्या गजब की ताकत है। मैं आपको कहता हूं कि निश्चित तौर पर समझना, कोई आदमी के मन में सुसाइड करने के भाव हो, मरने के भाव हो, संसार से उब गया हो, संसार से उदासीन हो गया हो, संसार में उसका जरा भी मन लगता हो, वो व्यक्ति को आप पॉजिटिव ऊर्जा केंद्र तीर्थ स्थान में ले जा करके बिठा दीजिए, उसके भी भाव बदल जाएंगे। ये प्रभु के धाम की ताकत। जाओ पालीताना कभी, जाओ कभी संखेश्वर, जाओ कभी जिरावला, जाओ कभी नागेश्वर, और जाके उसको फील करो। हम जाते तो है लेकिन फील नहीं कर पाते, समय नहीं दे पाते। गए, आए, परमात्मा के दर्शन करे, निकल गए। वहां की ऊर्जा, वहां की पॉजिटिविटी, वहां की ताकत, वहां की शक्ति हम फील नहीं कर पाते। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं समझ लेना, जब जब जीवन में परेशान हो जाओ, जब जब जीवन में दुखी हो जाओ, लगे कि अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब निश्चित तौर पर प्रभु के धामों में चले जाना, निश्चित तौर पर आपको सुकून मिलेगा। और इसलिए हमारे यहाँ पे प्राचीन परंपरा थी कि साल में एक बार परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे। हर बार अलग अलग तीर्थों पर, हर बार अलग अलग जगहों पर। लेकिन नूतन परंपरा आपने ये बना दी, साल में एक बार परिवार के साथ में घूमने जरूर जाना, लेकिन तीर्थ यात्रा पे जाए कि नहीं जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। वैकेशन मिल गया है, घूमने चलेंगे अलग अलग स्थान, घूमो, मना नहीं करता। आप सांसारिक जीव, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो करो, लेकिन ऐसा नियम निश्चित तौर पर बनाओ यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हो। आज का आदमी बड़ा नेगेटिव बन गया है, आज के आदमी बड़ी नर्वसता आ गई है, आज के आदमी में बड़ी नकारात्मकता आ गई है, आज का आदमी बड़ा त्रस्त, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं संसार में सबसे शक्तिशाली तीसरी चीज कोई है तो प्रभु का धाम। चले जाओ परमात्मा के शरण। इसीलिए हमारे यहां पे प्रतिदिन मंदिर जाने का बताया गया। मैं कई बार कहता हूं कि मंदिर नहीं जाओगे परमात्मा का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? परमात्मा तो चले गए मोक्ष में, उनको क्या लेना क्या देना, लेकिन नुकसान हमारा है। हम कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वो पॉजिटिविटी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब जब जीवन में समय मिले ये तीन काम निश्चित तौर पर करते रहे। सबसे पहले नंबर में प्रभु का नाम, प्रभु का नाम स्मरण करते रहे जब समय मिले, जब खाली बैठे हो, जब फ्री बैठे हो, लेकिन निश्चित तौर पर दिमाग में बिठा करके रखना कि परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली परमात्मा का नाम है। वो आपको तिरा देगा। परमात्मा तो मोक्ष में चले गए, हमको तिराने वाला एक ही आलम्बन है और वो है परमात्मा का नाम। इसीलिए हमारे यहाँ पे मंत्र शास्त्र की रचना हुई, इसीलिए विविध मंत्र बोले गए, इसीलिए मंत्रों का जाप गुरु भगवंत आपको देते हैं ताकि जितना स्मरण करते रहोगे। लेकिन एक चीज निश्चित तौर पर याद रखना कि यदि सातत्यता नहीं आई, कंटिन्यूटी नहीं आई, तो वो मरा का मरा ही रह जाएगा। और सातत्यता कंटिन्यूटी आ गई तो मरा का क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। अब राम बनाना या मरा बनाना हमारे हाथ में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर संसार में तीन सबसे शक्तिशाली चीजें, सबसे पहले नंबर में प्रभु का नाम, दूसरे नंबर में प्रभु का काम, और तीसरे नंबर में प्रभु का।
प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।